गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रोग्राम और म्युनिसिपल कमेटी के इश्तराक से आज मेरा माटी मेरा देश उन्वान के तहत तलबा तालबात की रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल म्युनिसिपल कमेटी मोहम्मद इरफान, एसएचओ वसीम गुल और उसके साथ साथ तलबा तालबात की कसर तादाद मौजूद थी। रैली गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रोग्राम से मेन मार्केट से होकर टाउन हॉल तक इफ्तिताह पजीर हुई, जिसमें मेरा माटी मेरा देश के हवाले से जानकारी दी गई। इस मौके पर डिग्री कॉलेज अहाते में एक शजरकारी मुहिम का भी निकाद अमल में लाया गया। पेश है यह खसूसी रिपोर्ट। मेरा नाम जैनब नौशाद है, मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम में एनएसएस की वॉलंटियर हूँ। आज हमारे कॉलेज ने एक रैली का इनाकाद किया। हमारे यहाँ मेन कैंपस जीडीसी कुलगाम से लेकर टाउन हॉल तक हमने ये रैली की, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अहम रोल रहा और हमें एकम्पनी किया पुलिस ने भी वहाँ तक, ताकि सिक्योरिटी इशूज़ ना हो और ट्रैफिक जैम भी ना हो। तो इस हवाले से उनका भी अहम रोल रहा इस रैली को कामयाब बनाने में। और इसकी जो अहम जो थीम थी, थीम का हिस्सा था, वो है माहौलियात बचाओ, सेव द एनवायरनमेंट फ्रॉम पोल्यूशन। तो चूंकि हम जानते हैं कि पेड़ पौधे हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, अहमियत रखते हैं और हम अपनी ग़िज़ा उनसे हासिल करते हैं और ऑक्सीजन भी वो फराहम करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने माहौल को आलूदगी से बचाए और जो कूड़ा करकट है वो सड़कों पर या अपने गली कोचों में ना डालें या पानी को बचाएँ। तो ये भी इसकी थीम थी, जिस के बदौलत हम अपने समाज को ये बता सके कि वो माहौलियात को बचाए और अपनी माटी यानी अपने इस नेशन की रेस्पेक्ट करें। जी, आम पब्लिक का बहुत ज़्यादा रोल रहता है इसमें, इस इन चीज़ों को कामयाब बनाने में, क्योंकि हम ये जानते हैं कि यूथ जो है वो एक नेशन का पावर होते हैं। तो इसीलिए हमारे ज़रिए से गवर्नमेंट ने मैसेज पहुंचानी चाहिए हर कोने में, भारत के हर कोने में। तो ये बहुत ही अहम चीज़ है कि हम अपने इस इन रूल्स की रेस्पेक्ट करें और हम इन थीम्स पर गौर करें। ये ऐसे ही नहीं है, बल्कि हमें इन पर गौर करना है और अपनी ज़िंदगी में इनको अप्लाई करना है। जी, मैं डॉक्टर शब्बीर, वाइस प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज कुलगाम। तो आज हमने मेरे मट्टी मेरा देश के तहत एक जो रैली निकाली है, तिरंगा रैली, तो हमने ये म्यूनसिपल काउंसिल कुलगाम के इश्तराक से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। तो उसमें उनके एम्प्लॉज़ भी थे, उनके हम मशहूर हैं, उनके भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कुलगाम म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरमैन हैं, उनके भी मशहूर है। तो हमने इकट्ठे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, उसमें उनके एम्प्लॉज़ और हमारे बच्चों ने हिस्सा लिया। तो हम म्यूनसिपल काउंसिल से यहाँ तक कॉलेज गेट तक एक तिरंगा रैली निकाली। तो इसके बाद हमने यहाँ प्लेज सेरेमनी ऑर्गेनाइज़ की। तो उसके बाद हमने प्लांटेशन ड्राइव किया है। तो मकसद है इस प्रोग्राम का कि हम जो मेरी माटी मेरा देश है, जैसा कि मिट्टी का मकसद ये तमाम कोशिश हमें जोड़ती है। जब हम किसी फॉरेन कंट्री में भी जाते हैं तो हम अपनी सॉइल को मिस करते हैं, जैसा हम किसी शहर में जाए तो अपने गाँव को मिस करते हैं। ये सॉइल हमें बांधती है, तो इस सॉइल को, ये सॉइल जो है ये हमारी पहचान है। इसी पहचान को परखने के लिए हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। देखिए, तो इस पर तो हमारी ज़िंदगी का इन्हिसार है, जो भी ऑक्सीजन है, चाहे जो भी हमें रिक्वायरमेंट्स है, चाहे वुड है, ऑक्सीजन तो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी लाइफ के लिए। तो इसके लिए उनका इसमें तो काफ़ी रोल है। जो एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स है, क्योंकि हमें अफॉरेस्टेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो फॉरेस्ट जो डिग्रेड हो रहे हैं, तो हमें और मज़ीद प्लांट्स जो डिज़ास्टर्स को अवॉइड करने के लिए हमें तो ऐसे अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम तो करने ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही तो एक सूरत है कि लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए रैलीज़ जो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ करें, इसका मकसद तो यही है। तो उसी से उजागर होते हैं, बेदारी होती है।